नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कार्बीन को इंटरमीडिएट के रूप में। हमने पिछली कक्षा में जाना था कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी कार्बीन की। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो किस आधार पे सिंगलेट को बांटा गया है या किस प्रकार से विभाजित किया गया है। आज हम ये बातें पढ़ने वाले हैं कि किस आधार पर जो हमारी कार्बीन है उसको विभाजित किया गया है। तो देखिए, हमने पिछली कक्षा में भी बताया था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पे जो कार्बीन है वो दो प्रकार से हमने विभाजित की थी। एक का नाम हमने दिया था सिंगलेट कार्बीन और एक का नाम दिया था ट्रिपलेट कार्बीन। तो आज समझने वाले हैं कि वो उसको क्यों तो कहा गया ट्रिपलेट कार्बीन और क्यों कहा गया सिंगलेट कार्बीन, इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सिंपल मैथिलीन कार्बीन के ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, यदि यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेष हैं इसके पास में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यदि एक ही कक्षक में उपस्थित हैं, या जो ये अबंधित इलेक्ट्रॉन्स या जो लोन पेयर हैं, यदि ये एक ही कक्षक में उपस्थित हैं, तो ऐसी प्रकार की जो कार्बीन है वो कहलाती है सिंगलेट कार्बीन। ये तो इसकी परिभाषा हो गई सिंगलेट कार्बीन। यदि हमें पता है कि यदि ये जो CH2 या मैथिलीन जो कार्बीन है, इसके पास जो शेष बचा हुआ जो एक लोन पेयर है, यदि वो लोन पेयर अनपेयर्ड रूप में उपस्थित हो और वो दोनों अलग अलग कक्षकों के अंतर्गत ये दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो इस प्रकार की जो कार्बीन है वो कहलाती है ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। तो देखिए, इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी को किस प्रकार से निकाला जाता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आपने देखिए, यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी यदि हमें निकालनी है तो हमें निकालनी होगी किस प्रकार से, N+1 रूल के आधार पे। यदि यहाँ पे N की यदि मैं बात करता हूं तो N है यहाँ पे अनपेयर्ड, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या को n की वैल्यू के माध्यम से हम यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें पता है ये युग्मन में उपस्थित है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अर्थात लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है अर्थात यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये क्या हो गई यहाँ पे जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है भाई पेयर्ड है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे मैं बात करूं ट्रिपलेट कार्बीन में, तो यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित है, इसको हम कक्षकीय इसकी ऑर्बिटल संरचना के आधार पे वहां पे देखेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित होने के कारण यहाँ पे हमें एन की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, 2 प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, जिसके कारण से यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाती है 3 आ जाती है, जबकि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी रहती है 1 रहती है। और 1 के लिए यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान यदि 1 रहता है तो उसे हम सिंगलेट कार्बीन बोलेंगे, यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 आता है तो उसे हम ट्रिपलेट कार्बीन बोलते हैं। आप इसको उतारिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये जाना कि किस प्रकार से उसको सिंगलेट बोला गया और किस प्रकार से ट्रिपलेट बोला गया। आगे हम यदि इसकी आगे चर्चा करते हैं, तो यदि इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को यदि हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिंगलेट कार्बिन क्या की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होती है और ट्रिपलेट कार्बिन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होती है,
तो हमें पता है कि यहाँ पे जो CH2 है, यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में उपस्थित है, अर्थात यहाँ पे हुंड रूल का फॉलो नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिटल्स में उपस्थित है। तो देखिए, यदि कार्बन की यदि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो कार्बन का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ, तो हमें पता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि यहाँ पे मैं ऑर्बिटल्स में इन्हें प्रेजेंट करता हूँ, या तो देखिए किस प्रकार से अपन, यहाँ पे ये 2s हो गया एंड यहाँ पे ये 2p हो गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे और यहाँ पे ये क्या हो गया, 2p के अंतर्गत क्या है भाई, दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं। एक तो क्या हो गया इसमें px में है, एक किस में हो गया, py में हो गया, और जो pz है वो हमारा क्या है, यहाँ पे रिक्त है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना होगा, संकरण का निर्धारण करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, दो इलेक्ट्रॉन है और दो बॉन्ड पेयर है, इसे यदि मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ पे देखिए दो सिग्मा बॉन्ड हो गए और साथ में क्या हो गया, लोन पेयर। तो संकरित कक्षों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाती है, और संकरित कक्षों की संख्या जब 3 होती है तो हमारा संकरण क्या होता है, यहाँ पे sp2 होता है। जी हाँ, sp2 यहाँ पे संकरण हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, संकरण का निर्धारण करना है कि हमारा संकरण है जो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि संकरण sp2 है, और sp2 जब संकरण होता है तो ज्योमेट्री हमारी क्या आती है, ट्राइगोनल प्लेनर। जी हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हमें प्राप्त होती है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। यहां तक उतारिए आप इन बातों को। तो यहाँ पे हमें देखिए पता चल चुका है कि संकरण क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ज्योमेट्री क्या है। तो हम यहाँ पे देखिए संकरण को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, इसने एक एस और दो पी लेना है, तो इस प्रकार से एक एस ने और दो पी ने संकरण में भाग लिया, और कितने संकरित कक्षकों का निर्माण किया, 3 संकरित कक्षकों का निर्माण किया। और ये तीनों के तीनों कौन से होंगे, ये तीनों के तीनों sp2 एंड sp2 होंगे, जबकि जो 2pz है, ये जो 2pz वाला है, ये कैसा है, यहाँ पे रिक्त है, इसने संकरण में ही भाग नहीं लिया है, और क्या पड़ा हुआ है, बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे देखिए, एक sp2 में तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, एक sp2 में एक इलेक्ट्रॉन है और एक sp2 में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख पा रहे हो इस कार्बन से दो हाइड्रोजन से लगन है, तो हाइड्रोजन की यदि मैं बात करता हूं, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, और s की जो शेप होती है वो गोलाकार होती है इस प्रकार से। तो यदि हमें 1s की बात करें, तो यहाँ पे देखिए इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स में पहले से ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड बन नहीं सकता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ में कौन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन इस प्रकार से बॉन्डिंग करता है। इसको उतारिएगा, फिर इसी स्ट्रक्चर्स को अपन आगे बढ़ाते हैं। हमें ये स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो चुकी है, हमें पता चल चुका है कि संकरण क्या है और किस प्रकार से संकरण का हमने निर्धारण किया है। यदि इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को बनाना चाहूं, तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को। ये कार्बन हो गया, हमें पता है कि इसके जो ज्योमेट्री है वो क्या आ रही है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ रही है, तो हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इस प्रकार से फॉर्मेशन इसका कर सकते हैं। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई, और प्रत्येक ये संकरित कक्षक हमने प्रदर्शित कर दिया इस प्रकार से। ये सारे के सारे कैसे हैं, sp2 वाले हैं। हम देख पा रहे हैं इस sp2 में क्या है भाई, दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और दोनों के अंतर्गत एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित है। हमें पता है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो गोलाकार होती है, तो यहाँ पे देखिए उस 1s के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी 1s ऑर्बिटल्स के, क्योंकि ये किसका है भाई, ये हाइड्रोजन का है,
तो 1s के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे एक्जियल टाइप की ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल्स होगा, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये दोनों आपस में एक्जियल ओवरलैपिंग के माध्यम से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर का यहाँ पे क्या लगता है, रिपल्सन इफेक्ट लगता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स के बीच में। तो ये लोन पेयर है, इसको रिपेल करेगा, इसको दूसरी तरफ प्रतिकर्षित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, और सेम जब चार्ज होता है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, दोनों दूर दूर जाते हैं, अर्थात प्रतिकर्षित होते हैं। क्योंकि सेम चार्ज के बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्शन होगा। और जब रिपल्शन होगा तो देखिए, रिपल्शन होने के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जब भी रिपल्शन होता है, यानी कि जब भी प्रतिकर्षण होता है, तो यहाँ पे देखिए रिपल्शन बढ़ रहा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन जब बढ़ता है तो एनर्जी भी क्या होती है भाई, निकलती है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि एनर्जी बढ़ती है। और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करो तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन दोनों का जो हमारे पास ज्योमेट्री प्राप्त हो रही थी, ट्राइगोनल प्लेनर हमें ज्योमेट्री प्राप्त हो रही थी, तो यहाँ पे रिपल्सन इफेक्ट के कारण, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिपल्सन के कारण क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल का मान कम हो रहा है। जहां पे हमें ज्योमेट्री के अंतर्गत 120 डिग्री का प्राप्त हो रहा था, तो हमें अब ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना रह जाएगा, 100, स्ट्रक्चर के अंतर्गत 103 डिग्री रह जाता है। और जो शेप हो जाती है इसकी, वो शेप हो जाती है बैंड शेप, उसको मैं यूं बना देता हूं, बैंड शेप को। ये कार्बन हो गया इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये लोन पेयर हो गया इस प्रकार से। तो ये लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो गया, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना रह गया है अब, 103 डिग्री हो गया है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं भाई बैंट शेप, बैंट शेप बोलते हैं, या फिर इसे अपन क्या बोल सकते हैं, वी शेप भी बोल सकते हैं। आप इसको उतारिएगा, क्यों इसकी स्टेबिलिटी कम हुई, इसका रीजन भी हमने दिया है यहाँ पे, किस प्रकार से रिपल्सन इफेक्ट लगा और किस प्रकार से जो ज्योमेट्री के अंतर्गत हमें जो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर प्राप्त हो रही थी, वो किस प्रकार से बैंड शेप में चेंज हो गई है, इससे हम अभी हमने ये बातें जानी है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 103 डिग्री होगा, जबकि ज्योमेट्री के अंतर्गत 120 डिग्री होगा। और 103 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन इफेक्ट लगा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के बीच में, जिसकी कारण क्या हुआ, बॉन्ड एंगल में क्या आ गई, कमी आ गई। यहाँ पे रिपल्सन बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी, और यदि एनर्जी बढ़ती है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, और यदि रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। यहां तक आप उतारिए, जबकि यहाँ पे एक कार्बन की बात करूं तो हमारा जो 2p Z वाला है, ये कौन सा हो गया, 2p Z वाला। लेकिन ये क्या है भाई, यहाँ पे रिक्त है, इसको भी प्रदर्शित करना चाहो तो आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये तो हमारा सिंगलेट कार्बन हो गया, इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को हमने देखा। अब चलते हैं हम ट्रिपलेट कार्बिन के ऊपर। ट्रिपलेट कार्बिन को यदि हम समझना चाहें तो देखिए किस प्रकार से समझते हैं। ये CH2 हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं संकरण का निर्धारण करूंगा, या इस स्ट्रक्चर को मैं यूं प्रदर्शित करूँ, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित हैं। इस आधार पे यदि मैं बात करूं तो केवल 2 सिग्मा बॉन्ड हमें पता है यहाँ पे है, इसी कारण से यहाँ पे जो संकरण है, यानी कि जो संकरण है वो क्या आता है, यहाँ पे
एसपी आता है, और जब संकरण एसपी आता है तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। और जो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री है वो क्या आती है भाई, यहाँ पे लाइनर आती है या लीनियर आती है, रेखीय आती है। यदि इसकी वीवीटी यदि मैं फॉर्मेशन करना चाहूं ट्रिपलेट कार्बीन का, इसे उतारिए तो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए 1s2 2s2 एंड 2p2 आउटर मोस्ट शेल कार्बन के अंतर्गत कितने हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं, और p के अंतर्गत कितने हैं, 2 है, ये कौन सा हो गया 2p हो गया, ये 2s हो गया। देखिए यदि इसके एक्साइटेशन स्टेट बनाए तो यहाँ पे देखिए हुंड रूल का फॉलो करेगा और ये इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, एनर्जी का अवशोषण करके 2pZ के अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसकी वीवीटी यदि मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए 2s के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन शेष रह गया है, एंड 2p के अंतर्गत देखिए अब 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों के तीनों हाफ फील्डेड हैं 2p के अंतर्गत। ये 2px हो गया, ये 2py हो गया, एंड ये 2pz हो गया इस प्रकार से। अब देखिए हमने संकरण का निर्धारण कर चुके थे, यहाँ पे संकरण क्या आ रहा था, sp संकरण आ रहा था, यानी कि दो कक्षक भाग ले रहे थे और दोनों के दोनों कौन से थे, अब ये sp यानी कि दो संकरित कक्षकों का निर्माण होगा और दोनों के दोनों कैसे होंगे, sp होंगे, और दोनों sp के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि दो कक्षक ऐसे होंगे जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया है, और वो कौन से होंगे, इसके पास में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये होंगे 2py एंड 2pz होंगे। यदि इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यदि मैं बनाना चाहूं तो देखिए अपन बात कर रहे हैं किसकी, अब ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन हो गया, अब देखिए ये भी क्या है sp वाला है और ये भी sp वाला है इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रत्येक sp के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखिए 2py एंड 2pz, क्योंकि हमें पता है जो ज्योमेट्री है यहाँ पे, तो ज्योमेट्री हमें पता है कौन सी आती है, रेखीय आती है, तो हम इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बन हो गया, ये sp हो गया एंड ये भी sp हो गया, ये sp हो गया, ये sp हो गया, प्रत्येक sp के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है देखिए जो दो असंकरित कक्षक है जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया है वो कौन से हैं भाई, यहाँ पे वो है 2py एंड 2pz, ये 2py हो गया, ये 2pz हो गया, और प्रत्येक के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस प्रकार से इसकी रेखीय स्ट्रक्चर होगी और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेष होगा, तो ये बॉन्ड एंगल होगा कितना भाई, 180 डिग्री का। यहाँ पे कोई लोन पेयर का इफेक्ट नहीं लगने वाला है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि रिपल्सन है यहाँ पे, तो रिपल्सन कम है यहाँ पे, जितना सिंगलेट कार्बिन में था उतना नहीं है, तो रिपल्सन कम है तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो रिएक्टिविटी कम है, और रिएक्टिविटी जब कम है तो स्टेबिलिटी अधिक है। तो मैं कह सकता हूं कि सिंगलेट कार्बिन की तुलना में ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है भाई, मोर स्टेबल होता है। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्यों होता है, तो अपन क्या देंगे इसका रीजन, रिपल्सन देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।